नमस्कार प्रणाम। हम हैं राहुल भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बोलपुर। अभी हमने के साथ है रमेश कुशवाहा जी बानी। लगातार एक बार फिर से कुछ नया जुनून लेके यहाँ के उपेंद्र कुशवाहा जी के उतरल बनी। एकरा पहले भाकपा माले के भी एक तरह से कहल जा सकेला कि सिवान में जन्मदाता यहाँ के मानल जाला। तो बहुत बहुत स्वागत बा भोजपुरी बतकही में। का विशेष प्रयोजन बा आज बनी उपेंद्र कुशवाहा जी? देखिए उपेंद्र जी 28 तारीख से यानी 28 फरवरी से गांधी आश्रम इतिहरवा से इन्होंने विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत की है और यह यात्रा के पहले चरण में कई जिलों को घूमते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, आपको फिर उधर मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर होते हुए इनकी यात्रा सिवान पहुंची। तो इसके पीछे मूल जो मकसद है कि जो समाजवादी आंदोलन की जो विरासत है, जो प्रगतिशील लोकतांत्रिक आंदोलन की जो विरासत रही है, आज उस विरासत को बचाया जाए। आज वो विरासत सुरक्षित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिन हाथों को सत्ता सौंपने की कोशिश की है, घोषणा कर रखी है 2025 में फला व्यक्ति को हाथों में अब सत्ता हम दे देंगे, तो इससे लोगों को एक डर है कि 2005 के पहले वाली स्थिति फिर बिहार में न आ जाए। तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये निर्णय लिया कि हम बिहार की जनता को बताएंगे कि भाई आपकी विरासत कैसे सुरक्षित रहे, और उसी क्रम में ये सिवान आए। कौन कौन लोग मुख्य रूप से साथ? इसमें उत्तर बिहार के जो कार्यक्रम जो प्रभारी हैं, जो पश्चिम चंपारण से साथी आते हैं, राम प्रकाश सिन्हा जी वो हैं, एक जितेंद्र नाथ वर्मा जी हैं, पूर्व विधायक रणविजय सिंह वो के जो विधायक हैं वो हैं, और भी और कई नेता हैं जो इनके साथ इस यात्रा में घूम रहे हैं। सिवान से मुख्य रूप से आप हैं, आपके अलावा और कोई? बहुत सारे अब कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसमें विजय कुशवाहा जी हैं जो पहले जदयू किसान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं वो थे, अभी ये सरपंच साहब हैं यहाँ बैठे हुए हैं विनोद कुशवाहा जी ये थे, ये नीलंबू त्यागी जी हैं, ये पहले ये भी माले के लीडर हुआ करते थे, ये भी जो चंद्रशेखर के नाम पर वहाँ स्कूल भी चलाते हैं कृष्ण पाली में, ये भी साथ में हैं, बहुत सारे लोग हैं सिवान में। चलिए अपन एगो परिचय अपना हिसाब से। रमेश सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक जीरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमने के मिलने जा रमेश कुशवाहा जी से। लगातार यहाँ के संघर्ष की एगो बड़ा कहानी बा। तब तक बने रही भोजपुरी बतकही पर, अपना भाषा के चैनल के शेयर करी, सब्सक्राइब करी, आ जे सब्सक्राइब कर ले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।